वेलकम टू टेम्पटिंग ट्रीट्स। आज हमने बनाया है पनीर बर्गर। इसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसन है, चीज स्लाइस है और पनीर है, ब्रेड क्रम्स और ये प्याज, खीरा और टमाटर, और ये बर्गर बन है। तो सबसे पहले लेंगे हम एक बर्तन और उसके अंदर डाल देंगे ये बेसन। इसके बाद इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे हम देगी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और इसके बाद हम इसे गोल तैयार कर लेते हैं ठीक सा। तो देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया है और इस टाइप का है, ना पतला ना मतलब गाढ़ा। और इसमें हम पनीर को कर लेते हैं डीप, इसे हम हाथ से ही अच्छी तरह से डिप करेंगे। इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालकर लपेट लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए इधर हमने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है गरम करने के लिए, और इस पनीर को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसमें डाल करके। तो देखिए हम इसे दूसरी साइड से पलट लेते हैं। तो देखिए हमारा ये पनीर का टिक्की तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। तो हम एक चम्मच इसमें मेयो डाल दिए हैं और एक चम्मच पिज्जा सॉस डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम ये फैला लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम प्याज, टमाटर और खीरा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये पनीर का टिक्की जो हमने बनाया है। इसके बाद ये चीज डाल देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर चीज रख देंगे और इसे हम पैक कर देंगे ऊपर से। तो आज हम ओटीजी में बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और ओटीजी को प्री हीट करने के लिए भी 10 मिनट के लिए हमने रख दिया है। तो चलिए अब ओटीजी में रखते हैं इसको। तो देखिए ओटीजी प्री हीट हो गया है और इसे हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो प्री ओटीजी को हम 5 मिनट के लिए सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बर्गर बन गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो देखिए कितना मस्त बना है। तो देखिए कितना इजीली बन के तैयार हो गया है। तो जब भी हल्की फुल्की भूख हो तो आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसकी बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट करिए ताकि आने वाली कोई भी रेसिपी आप मिस ना कर पाएं।